वेलकम बेक समाचार में आगर बात करिए। राजकोटनी मनदीप इंडस्ट्रीज सामे ईडी की कार्यवाही। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंतर्गत 16 करोड़ की मिलकतों जप्त करवामां आवी छे। उपलेटा में खाद्य तेल नो व्यापार करे छे मनदीप इंडस्ट्रीज और मनदीप इंडस्ट्रीजे 47 करोड़ की क्रेश क्रेडिट लोन पण लीधी थी। नोटबंदी वक्त माल नो स्टोरेज माटे क्रेडिट की लोन लीधी थी तो 44 करोड़ की रोकड़ भरपाई न करी स्टॉक पूर्व मंजूरी वगर वेचियो होवानी पण हाल विगतो प्राप्त थी रही छे। एसोसिएट एडिटर धर्मेश वैद्य फोनलाइन पर जुड़ाया छे। धर्मेश, विगतो जे प्रकारे सामे आवी रही छे, राजकोटनी मनदीप इंडस्ट्रीज सामे ईडी नी कार्यवाही छे। चोक्कस स्नेहा, कही सकते कि राजकोट शहर और जिला पर ईडी बाज नजर है। छेल्ला केटला समय थी गाजतुं हतुं, आखरे राजकोट जिला की मनदीप इंडस्ट्रीज छे सामे कार्यवाही करी छे। मनी लॉन्ड्री एक्ट हेठ 16 करोड़ रूपया की मिलकतों ईडीए जप्त करी छे। उफलेटा में खाद्य तेल नो वेपार करे छे मनदीप इंडस्ट्रीज અને મનદીપ ઇન્ડસ્ટ્રીએ 47 કરોડ ની ક્રેશ ક્રેડિટ લોન લીધી હતી પણ 44 કરોડ ની છેતરપિંડી કરી હતી। નોટબંધી વખતે માલના સ્ટોરેજ માટે 47 કરોડ ની રોકડ ક્રેડિટ ની લોન લીધી હતી, જે પૈકી 44 કરોડ ની રકમ ભરપાઈ ન કરતા આખરે સ્ટોક પૂર્વે મંજૂરી વગર જ વેચી નાખવામાં આવ્યો હતો। આ બાદ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સીબીઆઈમાં ફરિયાદ કરાઈ હતી અને આખરે ઈડીએમાં જંપલાવ્યું છે અને રાજકોટ જિલ્લાની કહી શકાય એવી મનદીપ ઇન્ડસ્ટ્રી સામે કાર્યવાહી કરી છે અને મની લોન્ડ્રી એક્ટ હેઠળ 16 કરોડ રૂપિયાની મિલકતો ઈડીએ જપ્ત કરી છે। જી નેહા, बिल्कुल धर्मेश।